आज मैं आपको बताऊंगा कैसे हम लोग अपने कंप्यूटर में पेज मेकर 7.0 का इस्तेमाल कैसे करते हैं, कैसे उसका यूज़ करेंगे पेज मेकर को। तो सबसे पहले जो काम करना होता है आपको अपने कंप्यूटर में पेज मेकर को इंस्टॉल करना होता है। इंस्टॉल करने के बाद देखिएगा आप यहाँ पे स्टार्ट का जो बटन रहता है वहाँ पे क्लिक करना है। करने के बाद जब आपका पेज मेकर आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल हो जाएगा तो देखिएगा वहाँ पे प्रोग्राम का लिस्ट आपको दिखाई देगा। अब यहाँ देख सकते हैं एडोबी नाम का एक फोल्डर है, इसको अगर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखिए एडोबी पेज मेकर 7.0। तो कोई कोई इसे एडोबी अमेरिकन लैंग्वेज में जो प्रोनाउंसिएशन होता है एडोबी बोलते हैं, कोई कोई इसको एडोब भी बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए एडोबी पेज मेकर 7.0 यहाँ पे इंस्टॉल है ऑलरेडी। अब इस पर हम लोग क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद क्या होगा देखिएगा, ये जो पेज मेकर है आपके कंप्यूटर में आप यहाँ पे देखिए लोड होना स्टार्ट हो चुका है, देख सकते हैं एडोबी पेज मेकर 7.0। अब ये जो पेज मेकर 7.0 ये एक आपका DTP का बेहतरीन आपका सॉफ्टवेयर है, एक एप्लीकेशन है जिसमें आपको डेस्कटॉप पब्लिकेशन से रिलेटेड, जो प्रिंटिंग से रिलेटेड जितना भी जैसे हैंडबिल हुआ, ब्रोशर्स हुआ, अब उसके बाद बहुत सारे डिज़ाइनिंग बुक पब्लिकेशन, ये सब सारे काम आप कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए आप यहाँ पे जैसे ही मैंने यहाँ पे लोड हो चुका है मेरा पेज मेकर 7.0, उसके बाद यहाँ पे देखिए सबसे पहले यहाँ पे दिखा रहा है टेम्पलेट्स। तो यहाँ पे टेम्पलेट्स होता क्या है, तो यहाँ पे देखिएगा टेम्पलेट्स में कुछ बने बनाए आपको यहाँ पे आपको ये मिलेगा, टेम्पलेट्स मिलेगा जैसे बिजनेस कार्ड के, देख सकते हैं इतने सारे टेम्पलेट्स दिए हुए हैं। तो यहाँ पे देखिए आपका सर्टिफिकेट्स का है, फ्लायर्स का है, लेबल का है, जो आप बनाना चाहते हैं यहाँ पे आप बने बनाए हैं उसमें आपको चेंजेस करना है और आपका रेडी हो जाएगा, फ्लायर्स रेडी हो जाएगा, बिजनेस कार्ड रेडी हो जाएगा, यहाँ से आप ले सकते हैं। तो यहाँ से आप टेम्पलेट यूज़ कर सकते हैं। अब क्या है, अगर मुझे यूज़ नहीं करना है तो इसको मैं यहाँ से क्लोज़ कर दूंगा। क्लोज़ करने के बाद देखिएगा ये पेज मेकर 7.0 का देख सकते हैं ये स्क्रीन आपको दिख रहा है। अब यहाँ पे सबसे ऊपर देखिए आपका ये मेनू बार है जिस जहाँ पे लिखा हुआ है एडोबी पेज मेकर 7.0, उसके बाद देखिए आपका ये मेनू बार है, ये आपका टूल बार है, और यहाँ पे देखिए टूल बॉक्स यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, देख सकते हैं। और ये राइट हैंड साइड में अगर आप देखिएगा तो यहाँ पर कलर का पैलेट है, और नीचे देखिए ये देख सकते हैं कंट्रोल का पैलेट है। तो ये तीन चीज़ें बहुत आवश्यकता है, इसकी आवश्यकता है कि जब भी आप काम कीजिएगा तो ये कलर का पैलेट की आवश्यकता पड़ेगा, यहाँ पे कलर्स अलग अलग कलर्स है। अगर ये नहीं है, सपोज़ मान लेते हैं ये अगर ऑफ है तो इसे लाएंगे कैसे, ये जो मेनू बार है विंडो में जाके यहाँ से आप शो कलर्स पे क्लिक कीजिएगा तो ये पैलेट कलर्स का पैलेट यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद नीचे ठीक यहाँ पर देखिए सबका यूज़ मैं थोड़ा थोड़ा करके सब दिखाऊँगा। अब ये है कंट्रोल पैलेट, इसको मैं अगर मैं क्लोज़ कर देता हूँ तो इसको लाएँगे कैसे, विंडो में जाइए यहाँ पे देखिए सो कंट्रोल पैलेट, इस पर क्लिक कीजिएगा कंट्रोल पैलेट यहाँ पे आ जाएगा। अब रहा सवाल टूल बॉक्स, अगर टूल बॉक्स नहीं है विंडो में जा सकते हैं, यहाँ पे देखिए हाइड टूल दिखा रहा, सो क्लिक कर देंगे ये हाइड हो गया। अगर नहीं है तो जनरली रहता है यहाँ पे टूल बॉक्स, तो विंडो में जाके यहाँ से सो टूल्स पे आप क्लिक कीजिए, तो यहाँ पे देखिए टूल्स आ चुका है। तो ये सब आप देख लीजिए कि इंटरफेस में, जो पेज मेकर के इंटरफेस में ये सब तीनों चीज़ है या नहीं, नहीं है इस तरह से ला लेकर आइए। उसके बाद अब काम कैसे करेंगे, तो यहाँ पे देखिएगा मेनू बार जो है यहाँ फाइल का मेनू है। जनरली जितने भी एप्लीकेशंस हैं, जितने भी सॉफ्टवेयर्स हैं, सब में आप देखिए इस तरह से फाइल एडिट का आपको मेनू मिलता ही है। यहाँ पे देखिए फाइल में जाना है आपको, यहाँ से आपको न्यू जो यहाँ पर ऑप्शन है न्यू का, या कंट्रोल एन दबाइएगा तो न्यू पे क्लिक कीजिएगा तो इस तरह से डॉक्यूमेंट सेटअप का एक डायलॉग बॉक्स खुलता है। यहाँ से भी ऐसे भी लेकर आ सकते हैं, अदरवाइज नीचे देखिए यहाँ पे ये जो बटन आपको दिखाई दे रहा है सेम न्यू का बटन है, इस पर क्लिक कीजिएगा डॉक्यूमेंट सेटअप का, इस तरह से सेम वही पैलेट इस तरह से डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। अब यहाँ से करना क्या है, आपको पेज लेना है, तो यहाँ फाइल में जाते हैं, फिर से न्यू में गया, अब यहाँ पर डॉक्यूमेंट सेटअप का इस तरह से एक डायलॉग बॉक्स खुलता है, जो आपका रिक्वायरमेंट पेज है किस साइज़ में आपको अपना हैंडविल बनाना है, ब्रोशर्स बनाना है, फ्लायर्स बनाना है, यहाँ से आप चूज़ कर सकते हैं। तो मान लेते हैं मुझे A4 में काम करना है, A4 चूज़ कर लिया। उसके बाद जो भी पेज साइज हम लोग लेते हैं उसका डायमेंशन यहाँ पे शो कर रहा होता है, और जनरली क्या है बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे टॉल रहता है। आप चाहे तो वाइड चौड़े पेज में आप भी काम कर सकते हैं, तो यहाँ से वाइड चूज़ कीजिएगा। बाकी जो ये सब कुछ है डबल साइडेड फेसिंग पेजेस, ये सब और भी विस्तारित रूप से मैं आने वाले ट्यूटोरियल्स में बताऊँगा, फिलहाल नॉर्मली अभी मैं आपको बता रहा हूँ कैसे यूज़ करेंगे। बाकी जो सेटिंग एज इट इज़ रखा हुआ है, यहाँ पे देखिए मार्जिन दिया हुआ है, नंबर ऑफ पेजेस कितना पेज लेना है ये दिया हुआ है, स्टार्टिंग स्टार्ट पेज नंबर दिया हुआ है,
कि पेज नंबर जो आप जगह 10 पेज लेते हैं तो उसका जो यहाँ पर नंबरिंग कैसे शो करेगा, यहाँ से इसको ऑन कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए रेजोल्यूशन 300 है, यहाँ से रेजोल्यूशन वगैरह भी सेट कर सकते हैं, DPI जो रहता है, और यहाँ पर प्रिंटर का नाम दिया हुआ सेट कर सकते हैं। उसके बाद ओके पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद इस तरह से देखिए एक पेज खुल जाता है। अब पेज मेकर में होता है क्या है, जो भी हम लोग पेज लेते हैं उसको हम लोग पब्लिकेशन बोलते हैं, याद रखिएगा पब्लिकेशन बोलते हैं। अब यहाँ पे पेज लाने के बाद अब हमें काम करना है, तो कैसे काम करेंगे, पेज तो आ चुका है, तो यहाँ पे आपको करना क्या है, यहाँ पे माउस पॉइंटर रखना है, राइट क्लिक करना है, उसके बाद एक्चुअल साइज पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आप देखिएगा पेज देखिए आपको जूम हो जाएगा, इस तरह एक्चुअल साइज आ जाएगा। अब इस पेज को एडजस्ट करना है, तो एडजस्ट करने के लिए टूल बॉक्स में जाएंगे, हैंड टूल पे क्लिक करेंगे, इस तरह से पेज को हमें एडजस्ट कर लेना है अपने हिसाब से। कर लिया, करने के बाद अब मान लेते हैं थोड़ा सा काम अगर आपको करना है, जैसे फॉर एग्जांपल आपको मान लेते हैं टाइप करना है, तो क्या करेंगे, यहाँ से ये जो टी लिखा हुआ है टाइप टूल है, इस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद ये जो नीचे जो कंट्रोल पैलेट है, नॉर्मली क्या होता है जब आप काम कीजिएगा तो यहाँ पे क्या होता है देखिएगा, अगर ये यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है तो यहाँ पे अभी कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, एक्स एंड वाई दिखाई दे रहा है। अगर मैं इसको क्लोज कर देता हूँ तो यहाँ पे हम लोग विंडो में जाके यहाँ से शो कंट्रोल पैलेट है देखिए, यहाँ पे क्लिक करेंगे ये कंट्रोल पैलेट आ जाएगा। ये बहुत काम का चीज़ है, तो यहाँ पे इसका यूज़ कैसे करेंगे वो भी मैं आपको समझाऊंगा। अभी देखिए चूंकि देख सकते हैं ये मेरा माउस पॉइंटर आपको दिखाई दे रहा है, देख सकते हैं, तो जो जो जैसे जैसे मूव कर रहा हूँ तो यहाँ पे आपको कुछ चेंजेस नज़र आ रहा है। अब जैसे ही मैं किसी टूल पे क्लिक करूँगा तो इस रिलेटेड जितने सारे ऑप्शन है यहाँ पे सब कुछ वो शो करने लगता है। जैसे मान लेते हैं अगर ये रेक्टेंगल शेप में क्लिक करूँगा तो रेक्टेंगल से रिलेटेड देख सकते हैं यहाँ पे शो कर रहा है। अब जो ड्रॉ करूँगा तो अब बाकी ऑप्शन यहाँ पे डिस्प्ले होने लगेगा। देखिए जैसे यहाँ पे टाइप टूल पे क्लिक करता हूँ, अब मुझे टाइप करना मान लेते हैं, तो इसमें टाइप करने का तरीका क्या है, अलग अलग एक फ्रेम बनाते हैं, कहने का मतलब ये हुआ टेक्स्ट फ्रेम बनाते हैं। जैसे इस पर क्लिक किया, नॉर्मली क्लिक करके भी आप इसमें टाइप कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन अलग अलग आपको इसलिए फ्रेम बनाना होता है, जैसे न्यूज़पेपर हुआ या हैंडबिल हुआ कुछ भी हुआ, तो यहाँ कुछ लिखा रहेगा, यहाँ कुछ लिखा रहता है, यहाँ कुछ लिखा रहता है, तो इस तरह से हम लोग टेक्स्ट फ्रेम बनाकर हम लोग टाइप करते हैं। तो मैंने टाइप टूल पे क्लिक किया और इस तरह से एक टेक्स्ट ब्लॉक टेक्स्ट फ्रेम बनाया। अब यहाँ पे लिख देता हूँ GAUTAM लिख सकता हूँ, लिख दिया। लिखने के बाद अगर मुझे इसमें कुछ चेंजेस करना है टेक्स्ट में, तो इसको सिलेक्ट करके यहाँ से देखिए आप यहाँ पे साइज बाय डिफ़ॉल्ट 12 रहता है, यहाँ से आप उसका साइज वगैरह भी चेंज कर सकते हैं। ये देखिए मैंने चेंज कर दिया, और बड़ा करना है तो अगर मैं 60 करता हूँ देख सकते हो बढ़ गया। उसके बाद क्या होता है, यहाँ से आप बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं, कैपिटलाइज कर सब कुछ कर सकते हैं, सारे ऑप्शंस यहाँ पे दिए हुए हैं। रफली मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ कि कैसे काम करते हैं, कैसे यूज़ करेंगे, तो ये सब कर सकते हैं। दूसरी बात क्या होता है, अगर मान लेते हटाना है यहाँ पर अंडरलाइन, इसको हटाना है पहले इसे करना है, तो फिर से इसी टूल से सिलेक्ट करते हैं और दोबारा जिस जो ऑप्शन पर हम लोगों ने क्लिक किया सेम उस पर दोबारा क्लिक करेंगे तो वो सब हट जाएगा जो अप्लाई किया हुआ है। सपोज इसको बोल्ड कर देते हैं, मैंने बोल्ड कर दिया, अगर मैं चाहता हूँ नहीं जैसे पहला था वैसा रहे, तो फिर से क्लिक कर देंगे बोल्ड पे बी वाला पे, तो वो वापस हम लोग अपने पहले वाले अवस्था पे आ जाएंगे। ये हो गया। दूसरी बात क्या होता है, जब हम लोग इस पर क्लिक करते हैं तो इसको हैंगर बोलते हैं, देखिए इस तरह से हैंगर है, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक हम लोग टाइप कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर देखिए कुछ लिख रहा हूँ, जैसे इस पर अगर मैं लिखता हूँ, देखिए जैसे लिख देता हूँ KUMAR, तो देखिए नीचे चला आया, क्यों, क्योंकि ये जो एरिया हम लोगों ने निर्धारित किया हुआ है टेक्स्ट फ्रेम से, जो एरिया है यहाँ से लेकर यहाँ तक हम लोग टाइप कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि नहीं भाई ये वाला भी मैटर इसके अंदर ऐड हो जाए, तो इस एरिया को हमें इस तरह से ड्रैग करके बढ़ाना होता है। देखिए मैंने बढ़ा दिया है, अब देखिए यहाँ पर रेड पॉइंट दिखाई दे रहा है, कहने का मतलब इसके अंदर कुछ टेक्स्ट है ऑलरेडी, तो इसको लोडेड टेक्स्ट बोलते हैं। तो इसको मैं ऐसे खींचूँगा थोड़ा सा और इस एरिया को मैं बढ़ा देता हूँ, तो देखिए यहाँ पर आ चुका है, ये देख सकते हैं यहाँ पर ऐड हो गया। दूसरा बात क्या होता है, इसको सिलेक्ट करके हम लोग ऐसे सिलेक्ट करके यहाँ से कलर वगैरह भी चेंज कर सकते हैं, जो आप ऐसे सिलेक्ट कीजिए यहाँ से कलर पैलेट दिया हुआ, जो जो डिफरेंट डिफरेंट कलर चेंज कर सकते हैं। उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे देखिए अलग अलग ये मेनू बार आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ फाइल में फाइल से रिलेटेड यहाँ सारे मेनूज दिए हुए हैं। एडिट अगर आपको करना है कट कॉपी पेस्ट, तो यहाँ पर आप कर सकते हैं। लेआउट में आपको कितने पेजेस से रिलेटेड काम कर सकते हैं, आपको पेज लेना है तो ये सब ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। शॉर्ट पेज कर सकते हैं, कॉलम बना सकते हैं पेज में, अलग अलग कॉलम बना के इसको दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। उसके बाद टाइप जो मेनू है, ये टाइप से रिलेटेड जितना जो टाइप से जो अभी हम लोगों ने देखा है यहाँ पे, जनरली ये टाइप रिलेटेड ज़्यादातर हम लोग काम करते हैं जिसमें टेक्स्ट ज़्यादा रहता है, इसीलिए इस एप्लीकेशन का यूज़ करते हैं।
और अभी एडवांस में तो अभी आपका आपका इन डिज़ाइन जो सॉफ्टवेयर है इसी का एडवांस वर्सन है। पेज मेकर 7.0 के बाद उसके बाद तो इसका अपग्रेड वर्सन आया नहीं, लेकिन अगर इसमें ज़्यादा अगर आप चाहते हैं काम करना, ज़्यादा अच्छी तरह से काम करना है, तो आपको बेस्ट यही मैं कहूँगा कि आप इन डिज़ाइन का इस्तेमाल कीजिए। ज़्यादा फीचर्स है, सब कुछ सेम टू सेम है, थोड़ा सा काम करने का तरीका सिर्फ अलग है, थोड़ा सा डिफरेंट वे में उसमें काम होता है। तो उस रिलेटेड ट्यूटोरियल भी है, आप मेरे देखिए प्लेलिस्ट में इन डिज़ाइन का ट्यूटोरियल है, लेसन 1 लेसन 2 पार्ट बाय पार्ट दिया हुआ है, आप देखें जरूर, वहाँ भी बहुत कुछ सीख पाइएगा। अब देखिए यहाँ पे आप टाइप से रिलेटेड जितना कुछ काम करना है यहाँ से टाइप से रिलेटेड पैराग्राफ वगैरह सब कुछ इसमें दिया है, अलाइनमेंट दिया हुआ है, सेंटर सब कुछ, स्टाइल वगैरह सब कुछ दिया हुआ है। एलिमेंट्स में आपको जैसे फिल करना है, स्ट्रोक करना है, फिल मैंने कलर फिल करना है, शेप वगैरह में अलाइन करना है, अरेंज करना है, ये सब यूज़ कर सकते हैं, ग्रुप यूज़ कर सकते हैं, मास्क का भी दिया हुआ, इमेज से रिलेटेड भी काम कर सकते हैं। यूटिलिटीज़ में क्या है, प्लगइन्स दिया हुआ, कुछ इसमें प्लगइन्स ऐसे दिए हुए हैं जो बहुत काम आता है, जैसे चेंज केस है, ड्रॉप कैप है, के लाइन है, आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए सो हाइट टूल बार, ये बहुत प्रॉब्लम होता है, जैसे बहुत बार ऐसा होता है आप काम कर रहे हैं, ये जो आपका टूल बार दिखाई दे रहा है, अब यूटिलिटीज़ में जाइएगा, प्लगइन्स में जाइएगा, यहाँ से देखिए सो हाइट टूल बार, इसको ऑफ कर देंगे तो चला जाएगा, बहुत बार ये आपको मिलता नहीं है, तो कहाँ पर मिलेगा, नॉर्मली विंडो में नहीं मिलेगा, यूटिलिटीज़ में जाइएगा, प्लगइन्स में जाइएगा, यहाँ से देखिए आप सो हाइट टूल बार पर क्लिक कीजिएगा, आ जाएगा। उसी तरह व्यू में, व्यू से रिलेटेड जितना काम करने से जूम इन शॉर्टकट सब दिया हुआ, कंट्रोल के साथ प्लस कीजिएगा, जूम इन होगा, जूम आउट करने कंट्रोल के साथ माइनस, फिट इन विंडो है, इंटायर पेस्ट वर्ड है, इंटायर पेस्ट वर्ड का कहने का मतलब अगर इस पर क्लिक करूँगा तो पेज के बाहर का जितना एरिया है वो सब भी आपको साथ में दिखाई देता है। वापस आपको आना है, राइट क्लिक कर दीजिए, यहाँ पर अगर नहीं आ रहा तो देखिए यहाँ पर एक्चुअल साइज है, इस पर क्लिक कीजिएगा तो ऐसे दिख रहा है, ज़्यादा जूम हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। फिर से राइट क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए फिट इन विंडो, इस पर क्लिक करेंगे तो आ जाएगा। बहुत बार ऐसा होता है कि आप काम कर रहे हैं अचानक कुछ गलती से ये सब प्रॉब्लम आता है, गलती से मान लेते हैं यहाँ से पेज मेरा चला गया, आप काम कर रहे हैं अचानक पेज आपका चला गया, अब समझ में नहीं आ रहा क्या करें कैसे ढूंढे, तो राइट क्लिक कीजिएगा, उसके बाद ये ड्रॉप डाउन लिस्ट आएगा, यहाँ पर देखिए एक्चुअल साइज है, अगर एक्चुअल साइज पर क्लिक करेंगे इस तरह दिख रहा है, फिर से दोबारा फिट इन विंडो कर दीजिएगा तो आपका पेज आपको मिल जाएगा, फिर से राइट क्लिक कीजिए, एक्चुअल साइज कीजिए और आप काम इसमें स्टार्ट कर सकते हैं। ये सब बारीकियाँ छोटी छोटी चीज़ें हैं, जब आप काम कीजिएगा तो प्रॉब्लम फेस होता है, अचानक किसी टूल पे क्लिक कर दिया चला गया, सब कुछ समझ में नहीं आया क्या करें, बस कभी ऐसा हो राइट क्लिक कीजिएगा, फिट इन विंडो कीजिएगा, कहीं पे भी आपका पेज रहेगा वो यहाँ पे शो करने लगेगा, उसके बाद राइट क्लिक करके इसको एक्चुअल साइज कर दीजिए, आप इसमें इस तरह से काम कर सकते हैं। अब रहा सवाल कुछ सेप वगैरह बता देता हूँ, जैसे ये आपका रेक्टेंगल टूल है, इस पर क्लिक करेंगे इस तरह से रेक्टेंगल सेप बनाया, अब आप यहाँ से भी ये जो कलर पैलेट है यहाँ से भी इसको कलर फिल कर सकते हैं, यहाँ से देखिए मैं फिल कर रहा हूँ, अगर इसका आउटलाइन में कलर करना है तो यहाँ से देखिए कलर पैलेट में 3 ऑप्शंस दिए हुए हैं, यहाँ पे क्लिक कीजिए, अब इसका आउटलाइन को कलर करना है तो इस पर क्लिक कर दीजिए आउटलाइन के लिए, लेकिन देखिए बहुत पतला है आउटलाइन, तो इसको थिक करने के लिए आप एलिमेंट में जाएँ, यहाँ स्ट्रोक है देख सकते हैं, जैसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर में वेट लिखा रहता है, स्ट्रोक मतलब उसका आउटलाइन, तो यहाँ से स्ट्रोक से आप जो भी लेना है, देखिए इसका आउटलाइन हो गया, कलर यहाँ से भी आप आउटलाइन ये चूज़ कीजिए, यहाँ से भी आप इसका कलर चेंज कर सकते हैं, ये देखिए मैं कलर इसका चेंज कर दूँ, लेकिन अंदर के लिए यहाँ पे दिया हुआ बीच वाला, यहाँ से आप क्लिक कीजिएगा बीच में कलर हो जाएगा, ये हो गया। तो उसी तरह आप इसे घुमा भी सकते हैं, या रोटेशन का टूल दिया हुआ है, इस तरह से आप कुछ भी घुमा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं पॉलीगन टूल है, पॉलीगन टूल पर डबल क्लिक कीजिएगा, पॉलीगन स्टार बनाना है, स्टार इंसर्ट ऐसे कर सकते हैं, नंबर ऑफ साइड इस तरह से आप बढ़ा सकते हैं, स्टार शेप डिज़ाइन करना है इस तरह आप डिज़ाइन कर सकते हैं। अगर मान लेते हैं यहाँ भी और भी ऑप्शंस है, पिक्चर अगर लाना है तो फाइल में जाइएगा, प्लेस में क्लिक कीजिएगा, क्लिक करने के बाद इस तरह से प्लेस का डायलॉग बॉक्स खुलेगा, यहाँ से भी आप पिक्चर्स वगैरह जो आपको लेना है, जैसे ये पिक्चर लेना है क्लिक कीजिए, ओपन कीजिए, यस पे क्लिक कर दीजिए, ये देखिए यहाँ से पिक्चर इस तरह से ड्रैग करके लेकर आ सकते हैं, इसे मूव कर सकते हैं। ये जो टूल बहुत काम करता है एज अ पॉइंटर, माउस पॉइंटर की तरह ही काम करता है, तो ये पॉइंटर टूल की तरह इसको आप ड्रैग कर सकते हैं, इसको भी इधर मूव करा सकते हैं, ये सब आप काम कर सकते हैं। उसी तरह लाइन टूल है, लाइन इस तरह से ड्रैग कीजिएगा लाइन बनेगा, सब कुछ आप कर सकते हैं। यहाँ से भी देखिए लाइन के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है, इसे घुमा सकते हैं तो नहीं घूम रहा, रोटेशन टूल पर क्लिक कीजिए, ये देखिए लाइन ऐसे घूम रहा, घुमा सकते हैं। लाइन को थिक वगैरह करना है तो एलिमेंट में जाइए, स्ट्रोक में जाइए, यहाँ से आप लाइन डिफरेंट डिफरेंट लाइंस आप यहाँ से ले सकते हैं। लाइन को कलर करना है, यहाँ से भी आप एलिमेंट में जाके स्ट्रोक फिल एंड स्ट्रोक है, यहाँ से आप जैसे फिल है, यहाँ से देखिए फिल एंड स्ट्रोक में जाइएगा तो यहाँ पे देखिए फिल में नन है,
स्ट्रोक में देखिए ब्लैक है, यहाँ से भी क्लिक वगैरह आप करके इसका कलर वगैरह भी कर सकते हैं। जैसे रेड कर दिया, ओके कर देते हैं, रेड कलर का देखिए लाइन बन गया, ये हो गया। मतलब ये मैं रफली आपको आइडिया दे रहा हूँ कैसे काम करते हैं। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि अब इसका आउटपुट कैसे निकालेंगे। तो आउटपुट निकालने के लिए देखिए यहाँ पे देखिए फाइल में जाते हैं, जब कुछ भी डिज़ाइन वगैरह बना लिया, इसको मान लेते कहीं ले जाना है DTP जैसे प्रिंटिंग प्रेस में ले जाना है, वहाँ मुझे निकालना है, तो यहाँ से आप सिंपली आप यहाँ पे सेव कीजिएगा। सेव करने से क्या होगा, देखिए सेव का इस तरह से डायलॉग बॉक्स खुलेगा, जो भी नाम देना है तो यहाँ से आप डायरेक्टली आप यहाँ पे नाम दे सकते हैं। जैसे माई फाइल कर देता हूँ, फाइल कर दिया। अब कहाँ पे आपको सेव करना है तो यहाँ से आप डिसाइड कर सकते हैं। यहाँ से ये देखिए मैं यहाँ से अगर डेस्कटॉप से चूज़ करता, डेस्कटॉप चूज़ किया, माई फाइल, यहाँ पे सेव जो तीन तरह का दिया हुआ ऑप्शन, पब्लिकेशन और टेम्पलेट दिया होता है, पब्लिकेशन में करना है तो पब्लिकेशन कर दिया, सेव कर दिया, ये देखिए सेव हो गया। दूसरा बात क्या है, यहाँ फाइल में जाके ओपन कर सकते हैं, या रिसेंट पब्लिकेशन, देखिए माई फाइल .png दिया हुआ, नाम दिया हुआ है, देख सकते हैं। या आपका लोकेशन यहाँ पे देख सकते हैं, पेज मेकर है, सी ड्राइव में, यूज़र है, डेल है, डेस्कटॉप है, उसके बाद माई फाइल .png, मतलब फाइल के साथ .png मतलब इसका एक्सटेंशन नेम है, और एक नाम है पेज मेकर, जैसे .png दीजिएगा तो भी आप फाइल को ओपन कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, ये हो गया। दूसरा चीज़ क्या, फाइल में जाके यहाँ पे देखिएगा सेव एज, अगर दोबारा इसको दूसरे नाम से या दूसरे जगह अगर आपको सेव करना है तो यहाँ पे सेव एज यूज़ कर सकते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे देखिए एक्सपोर्ट दिया हुआ है, एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, एडोबी PDF में कर सकते हैं, जैसे एक्सपोर्ट PDF है, इसका भी यूज़ कर सकते हैं। दूसरा चीज़ अगर मान लेते हैं यहाँ से आपको HTML में भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं, पर्टिकुलर मान लेते हैं टेक्स्ट को ही सिर्फ एक्सपोर्ट करना है तो टेक्स्ट को भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं, फ़ोटो को एक्सपोर्ट करना है तो ग्राफिक चूज़ करेंगे। उसी तरह मान लेते हैं यहाँ से बहुत बार आपको एडोबी PDF नहीं होता है, PDF नहीं बनता है, तो क्योंकि ओरिजिनल अगर नहीं है तो वो एक इसके साथ एक एप्लीकेशन रहता है, अगर वो इसके साथ इंस्टॉल नहीं है तो आप यहाँ से PDF नहीं बना पाइएगा, तो यहाँ से प्रिंटर में जाके यहाँ से प्रिंट डॉक्यूमेंट है यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट, यहाँ से चूज़ कर लेना है PDF, यहाँ पे कॉपीज़ वन यहाँ पे प्रिंट कर दीजिएगा, ये देखिए PDF ये बन जाएगा। कहाँ पे बन रहा है, यहाँ से चूज़ कर लीजिए लोकेशन, माई फाइल न्यू कर देता हूँ, कर दिया, यहाँ पे सेव एज टाइप PDF, इसके बाद इसको सेव कर देंगे, यहाँ से ये PDF मेरा बन जाएगा, हो गया है। इसको डेस्कटॉप पे देखिएगा बना होगा, क्योंकि अगर मैं डेस्कटॉप चूज़ किया हूँ, देखिए माई फाइल नाम से यहाँ पे आपको दिख रहा है, माई फाइल न्यू नाम से यहाँ पे दिख रहा है आपको, तो ऐसे आप PDF बना सकते हैं। दूसरी बात क्या है, सेव कर सकते हैं, उसके बाद यहाँ पे अगर कुछ बना हुआ है आपको तो यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे ये है यहाँ पे अलाइन ऑब्जेक्ट नाम का एक फाइल बना हुआ है .png में, इसमें क्लिक करेंगे, कंटिन्यू नहीं खुल रहा है, कोई बात नहीं, यहाँ से आपको फाइल इसको क्लोज़ करना है, ये देखिए मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ, यहाँ से क्लोज़ कर दिया। फाइल में जाते हैं, फिर से अगर रिसेंट पब्लिकेशन में या विजिटिंग कार्ड पे क्लिक करेंगे, ये देखिए यहाँ से बना हुआ था, ये खुल गया। तो इस तरह से हम लोग यूज़ कर सकते हैं। दूसरी बात क्या है, रूलर्स है, यहाँ से देखिए आप यहाँ से ये जो गाइडलाइंस है, यहाँ से गाइडलाइंस वगैरह भी हम लोग ले सकते हैं। रूलर्स अगर नहीं है, ये सब बहुत काम आता है, जैसे कोई साइज लेना है तो यहाँ से हम लोग साइज वगैरह भी ले सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे और भी फीचर्स दिए हुए हैं, तो ये रफली मैंने बताया कि कैसे हम लोग यूज़ करेंगे पेज मेकर को अपने कंप्यूटर में। और क्या है, यहाँ पे देखिए अगर मुझे इसे क्लोज़ करना है तो यहाँ से हम लोग क्लोज़ कर सकते हैं। ये देखिए क्लोज़ कर रहा हूँ तो पीछे जो खुला हुआ है इसको हम लोग इस तरह से मिनिमाइज़ भी कर सकते हैं, ये देखिए फिर से हम लोग रीस्टोर भी कर सकते हैं। अब इसे क्लोज़ करना है तो यहाँ से मैं इसे क्लिक करूँगा, पूछ रहा है सेव करना है तो यस कर दीजिए, नहीं तो नो पे क्लिक कर दीजिए। ये देखिए मेरा पेज मेकर क्लोज़ हो गया, देख सकते हैं। तो सिंपल तरीका मैंने बताया कि कैसे हम लोग पेज मेकर को अपने कंप्यूटर में यूज़ करेंगे। और भी बारीकी से कुछ जानना है तो मेरा देखिएगा, मेरे चैनल में एक प्लेलिस्ट है पेज मेकर नाम से, वहाँ पे आप देख सकते हैं, बहुत सारे वीडियोस हैं, बहुत कुछ सीख सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।